हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरा फर्स्ट व्लॉग। आई नो थोड़ा ये इधर उधर होगा, बट आप एडजस्ट कर लेना। सो अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं नीचे आई हूँ वॉक पर, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था आज और मैं बिना वॉक के नहीं रह सकती। सो मुझे अच्छी खासी आदत लग चुकी है और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, क्योंकि आज होली थी, काफ़ी सब लोगों ने इंजॉय किया है। और वैसे तो यहाँ पर रोज़ अगर आते हैं हम तो काफ़ी क्राउड होता है इतनी रात में भी, बट आज बहुत खाली है। ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। मैंने यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाइफस्टाइल, अपनी स्टडी के बारे में और भी चीज़ें हैं जो भी मैं करती हूँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको किस टाइप का व्लॉग चाहिए, रेसिपी चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं इंशाल्लाह ताला 20 से 30 मिनट्स में यहाँ से चली जाऊँगी वॉक करके, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और आज सभी बारात भी है। तो हम लोगों को अच्छे से आज के दिन नमाज़, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, अपनी गुनाहों की तौबा करना चाहिए। मैं भी वही करूँगी, आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा। अभी मैं आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर करूँगी जिसमें मेरे घर में आज क्या क्या बना था वो रेसिपी मैंने शूट की है। आप लोग देखिए और मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन। मोस्टली मेरे घर पर ये हलवा ज़रूर बनता है, सूजी का, एक वाइट वाला, एक ऑरेंज वाला। मैंने पहले यहाँ पर थाल में थोड़ा सा घी लगाया था और उसके बाद इस मिश्रण को मम्मा ने ऐड किया था, उसके बाद ही मैंने इस पर ड्राई फ्रूट डालकर ग्लास से थोड़ा प्रेस कर दिया था, उससे वो चिपक जाएगा। और उसके बाद आप निशान लगा लीजिए इस तरीके से नाइफ से, देन उसे ठंडा होने दीजिए कम्प्लीटली, उसके बाद आप निकालिए। तो आपके घर पे कैसा बनता है मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। अब ये जम चुका है तो मैंने इसके पीसेस को अलग कर लिया था। इस तरीके से आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे निकालें, वरना ये टूटता बहुत जल्दी है। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी आपके साथ। वैसे इस हलवे को मैंने नहीं बनाया था, मम्मा ने ही बनाया था, बट मैं उनकी हेल्प करती हूँ हर साल, तो मैंने किया इस साल भी। और ये ऑरेंज वाला, इसमें भी मैंने पहले घी लगाया था उसके बाद ही, और ये है सबसे बेस्ट हलवा, सिग्नेचर हलवा यू कैन से। ये है चने का हलवा और इसमें बहुत सारी घी जाती है, डोंट वरी, ट्रेडिशनल चीज़ों में ऐसे ही हम लोग यूज़ करते हैं। ये बना था। और ये है दम बिरयानी, मटका दम बिरयानी, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी इंशाल्लाह इसी वीक में। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत यम्मी बिरयानी है। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।